खुद ही खुद के लिए गड्ढा खोद के उसमें जम मारने की तैयारी कर ली है तहसीन पूनावाला ने। वेल, ऑरेंज टीम हो चुके हैं फिर एक बार यूनाइटेड। जो झगड़ा था, लड़ाई थी, उसे भूलकर एक साथ पाउंस कर दिया तहसीन पे और कर दिया तहसीन को एक्सपोज। वेल, टीम ब्लू टीम ऑरेंज के बीच फिर एक बार लड़ाई होती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज जो है एक साथ आ चुकी है और ब्लू को टारगेट करती हुई नजर आ रही है, तहसीन को टारगेट करती हुई नजर आ रही है, उन्हें एक्सपोज करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि धीरे धीरे जो यूनिटी ब्लू टीम में थी वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि निशा भी कहीं ना कहीं ऑरेंज टीम से एग्री करती हुई नजर आ रही है। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, @rjvedangi के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगी। वेल, हुआ ये कि बबीता जी ने जो है पराठे बनाए थे, आलू के पराठे, और उसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी। यहाँ पे जो है एक बात सामने आ गई, एक बात एक्सपोज हो गई कि तहसीन जो है ऑरेंज टीम में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, और ये बात सामने आती है कि सब लोग बातचीत कर रहे होते हैं और पायल जो है सामने टॉपिक लाती है कि तहसीन आपने एक बात कही थी कि जो पराठे बबीता ने बनाए हैं तो बाकी सबको पसंद आए, सिर्फ एक ही पर्सन को ठीक ठाक लगे, पसंद नहीं आए, अच्छे नहीं बने, तो आखिर वो इंसान कौन है, आप उनका नाम बताइए। तब यहाँ पे तहसीन नाम बताने के लिए मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं मुझे किसी के पीठ पीछे नहीं बोलना है, मुझे बस जिसने बोला है बोला, मैंने बोल दिया, और मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ कि उनका अच्छा नहीं बना है, बस उन्होंने सो ठीक ठाक बोला। अब यहाँ पे जो है बबीता जी को काफ़ी बुरा लग जाता है। बबीता कहती है कि मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत से बनाया, इतना अच्छा बनाया मैंने, मेरी लाइफ का बेस्ट बनाया है, मेरे बाकियों को खाना बनाना सिखाया भी है बाहर, तो ऐसे खाने का अपमान आप जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं, तो अगर किसी ने बोला है तो बोल दो। तब यहाँ पे जो है पूरी की पूरी टीम इकट्ठा आती है और वो कहती है हमने आपके पराठे के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोला, इनफैक्ट हमें तो पसंद है। पूनम कहती है मैं तो दो दो तीन तीन बार मांग मांग के खा रही थी। मुनव्वर कहता है मैंने तो आपकी चटनी और ले के मैंने पराठा में खाया है, तो मुझे तो पसंद आया। अब यहाँ पे तहसीन सामने आ जाते हैं, निशा भी कहीं ना कहीं बोलती है अगर ऐसी बात बोली तो गलत है, क्योंकि अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो हम खाना वाना किसी के लिए बनाने नहीं आए हैं ना, हम कोई एक्सपर्ट कुक्स नहीं है, बट यहाँ पे हम एक साथ एक गेम में है, गेम खेलने आए, तो खाना वाना जो बनाना है वो बनाते रहते हैं। अगर आपको किसी का कुकिंग स्टाइल पसंद नहीं आ रहा या खाना पसंद नहीं आ रहा तो आप उन्हें एकांत में जाके बताइए, और ऐसे दूसरों के सामने मत बताइए कि खाना अच्छा नहीं बना, ये नहीं बना। तब यहाँ पे निशा को टोकते हुए नजर आई पूनम और बाकी के जो कैदी है, और कहा कि हमने ऐसा कभी बोला ही नहीं है, इनफैक्ट हमें आमने सामने क्लियर करना है। और पूरी जो ऑरेंज टीम होती है उनके ब्लॉक में रहती है और उनके ब्लॉक के जस्ट बाहर तहसीन और निशा रहते हैं, और यहाँ पे जो है सभी जन मिलके कहते हैं कि आप तहसीन बता दो कि हमने कब आपको ये बात कही, हम में से किसने आपको बात कही कि हमें उनका पराठा सो लगा, इतना अच्छा नहीं लगा, कौन है ऐसा नाम बता दो। तहसीन कहते हैं मैं तो किसी के पीठ के पीछे नहीं बोलूंगा, तो यहाँ पे जो कॉन्वर्जेशन थी वो बता दी, नाम लेने को तैयार नहीं। अब ये यहाँ पे अंजलि जो है वो कह रही हम तो सभी जन यहाँ पे मौजूद है, हम में से कोई भी मिसिंग नहीं है, हम 7 जन की टीम है, बबीता को छोड़ के हम 6 जन हैं, और हम में से अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मुंह के सामने बोलना होगा, पीठ पीछे नहीं, तो नाम बता दो। तो यहाँ पे तहसीन नाम बताने को तैयार नहीं होती, जहाँ पे उनका एक्सपोज हो जाता है गेम, और निशा को भी पता चलता है कि अगर तहसीन आपने ये किया है तो गलत है, ये भी वो कह देती है। इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि ऑरेंज टीम एक बार फिर एक बार एकत्रित आ रही है, इकट्ठा आ रही है, और तहसीन का जो प्लान था इन लोगों में फूट डालने का, पायल और अंजलि, पायल और बबीता को अपने टीम में खींचने के लिए, उनके वोट्स लाने के लिए, शायद वो यहाँ पे फूट डालने की कोशिश कर रहे थे कि किसी को तो आपका पराठा अच्छा नहीं लगा, कौन है ये ना, बताऊंगा नहीं, कौन है। उन्हें तो लगा कि बबीता चुप रहेंगी, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है पायल उनकी जो दोस्त है उन्होंने ये टॉपिक शुरू कर दिया, उसके बाद ये सारा टॉपिक बाहर निकलता है और सामने क्लियर कट हो जाता है कि तहसीन अपने आप को एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने बोला होता उनके पराठे के बारे में कि अच्छा नहीं है तो वही के वही नाम ले सकते थे, जो कि वो नाम नहीं ले पाए। ऑरेंज टीम को पता चल गया कि ये तो बस उनकी एक चाल थी जो अब हो चुकी है फ्लॉप, और कहीं ना कहीं ये लोग तहसीन के अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खुद ब्लू टीम में से निशा को भी ये बिहेवियर तहसीन का नहीं आया पसंद। अब इस वजह से लग रहा है कि ऑलरेडी वो चार्जशीट के चलते नॉमिनेट तो हो ही चुके हैं और अब लोग भी इनसे थोड़ा थोड़ा दूर रहने लगे हैं, तो खुद ही अगर तहसीन अपने आप को ऐसे एक्सपोज करते रहेंगे तो उनका इस गेम में सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या है आपका इसके ऊपर कहना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और क्या आपको भी लग रहा है कि तहसीन कहीं ना कहीं अपने एक्शन से अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं अगेन एंड अगेन, लेट मी नो। आई सी यू गाइस सून, बाय बाय।